कराची में सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धमाके के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर और तराफ में पार्किंग की इजाजत नहीं होगी। तफसीलात क्या है अब्दुल हसीब से जानते हैं। जी अब्दुल हसीब जी, मैं इस वक्त मौजूद हूं सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर, जहां गुज़िश्ता रात गए जो है वो बारूदी मवाद पर धमाका किया गया था। इसमें अपडेट ये है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। परेडी थाने में इंसदादे दहशतगर्दी के दफात और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है। बात की जाए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर की, तो इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट दिखाई देती है। पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी को भी डिप्लॉय किया गया है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये है वो दीवार, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बारूदी मवाद रखा गया था और जिसके फटने जो है वो धमाका हुआ था। और इस वक्त भी आप यहां पर देख रहे हैं कि जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। ये पूरी दीवार के साथ साथ जो इलाके जगह आप ये देख रहे हैं, इसको नो पार्किंग का एरिया बना दिया गया है। इसके साथ साथ जो इसकी पार्किंग की लिमिट थी वो भी बढ़ा दी गई है। और इस पूरी सड़क के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन का जहाँ पर सूबाई दफ्तर है, यहाँ पर पार्किंग जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मना कर दी गई है। ना सिर्फ पुलिस और ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात हैं, रेंजर्स एहलकार तैनात हैं, बल्कि जो है वो कोशिश ये की जा रही है कि ये जो पूरा एरिया है, पेरिफेरी पूरा एरिया इसके सराउंडिंग है, यहाँ पर जो है वो किसी भी तरह की पार्किंग की इजाज़त नहीं दी जाए। इसके साथ साथ जो सामने के इलाके हैं जहाँ पर होटल और दूसरी कारोबारी मराकज है, वहाँ पर भी ट्रैफिक पुलिस जो है वो ट्रैफिक को मैनेज कर रही है। बात की जाए अगर अब्दुल हसीब, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।